तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग? आपका स्वागत है मेरे एक नई वीडियो। आज मैं आपके आरजे स्टूल के कुछ सीक्रेट फ्यूचर के बारे में बताने जा रहा हूँ। उससे पहले वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करो। देख को सकते हैं मैंने आरजे स्टूल की मदद से क्या सब ले चुका हूँ। देख सकते हैं मेरे घर के कि क्या हो गया, और ये न्यू अपडेट में देख सकती हूँ क्या क्या आया है। चलिए हम आगे आपको दिखा देते कि हमने नई आगे बिल्डिंग ले लिया है, और भी बिल्डिंग ले लिया, हाउस ले लिए हैं। अरे वाह वाह, कितनी मस्त बिल्डिंग है की रोज भैया ने। सिर्फ आप लोग इस पूरी वीडियो को देखना, अगर आप इसको थोड़ी सी भी स्किप करेंगे तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा कैसे अब किए भी। बाद में कमेंट करेंगे कि नहीं वर्क कर रहा है, इसमें कोई हमें हैक लगाने की बात नहीं कर रहा हूँ, इससे कि सीक्रेट चीट कोड है। चलिए आपको बता ही देता हूँ। उसके लिए हमको खाली जगह पर जाना पड़ेगा, तो यहाँ पर वो सब आएगा नहीं, इसलिए उससे पहले हम एक खाली जगह पे चलते हैं। उससे पहले आप वीडियो वाला चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे सत्य हम जा रहे हैं खाली प्लेस पे, उधर वहाँ पे पहले आपको कुछ चीट कोड बता देते हैं, क्योंकि बहुत बंदों को चीट कोड नहीं पता है। देख लो, न्यू ZSTNR का चीट कोड 400 ES, इसको मॉडिफाई कर दिया गया है। देख ही सकते कितना झकास लग रहा है। अगला है KTM का 1190। अरे भाई 30 नहीं, 1190 है, 1190 हम डायल करते हैं तो आ जाती है हमारे पास एक KTM। फिर अगला एक कार का जो न्यू आया 3005 GTR। जैसे तो इसका लुक कितना बवाल लग रहा है। चलो बकवास करने से सबसे पहले आपको मुद्दे पे आते हैं। घर को करने के लिए आपको अपना मोबाइल निकालना और आरजे स्टूल में जाके H1 लिखना है। H1 लिखेंगे तो पहला आएगा। जैसे तो H1 लिखते हैं, हमारे पास एक हाउस आ चुका है, और H2 लिखते ही दूसरा हाउस हो चुका है, और H3 से आप भी लिख सकते, जो मन का आप उतना करिए। H1 से लेकर H10 तक ही आपको घर मिलेंगे, और उससे अगर नहीं H1 H2 H3 H4 कुछ भी करिए आपकी मर्जी। H11 करेंगे तो कोई हाउस नहीं मिलेगा। अगला है बिल्डिंग का। अगर आपको बिल्डिंग मंगवाना है आगे तो क्या करें, आरजे स्टूल में लिखना है बिल्डिंग का पहला अक्षर B1। जैसे लिखेंगे आपके सामने बिल्डिंग आ जाएगी बड़ी वाली। इस तरीके से इसमें भी B1 B2 B3 B4 वही सब रहेगा। ठीक, B3 भी आ गई, आप मंगवा सकते। इसमें भी वही B1 से लेकर B10 तक होगा। अगर B11 करेंगे तो नहीं है, क्योंकि B10 तक ही रोहित भैया ने ऐड किए हैं, तो अभी टेक फाइल नहीं हो चुका है। और आगे हम आते हैं अपने चीट कोड की तरफ, अगले T1 ट्री का। अगर आप T1 लिखते हैं तो ये पहला पेड़ आ जाता है, T2 लिखते हैं तो दूसरा पेड़ आ जाता है। इसी तरीके से आप लिख सकते हैं, T7 लिखते हैं तो कुछ नहीं आता, क्योंकि हमको लगता है इससे पहले तक रोहित भैया ने हमें दिया है। जैसे आप T6 लिखते हैं तो एक पेड़ आ जाता है, यानी कि T1 से T6 तक आपको पेड़ मिल जाएंगे। और आगे है P1 लिखेंगे तो आपको ये सभी चीज़ें लाइट और वगैरह वगैरह आ जाएंगी। P2 इसमें कुछ, इसमें सबसे ज़्यादा इसमें ये P13 तक सभी चीज़ें आ जाएंगी। आप P1 P2 P3 से लेके P13 तक लिख सकते हैं। फिर अगला है P14 करेंगे तो कुछ नहीं आएगा, सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैं बता देता हूँ। अगला कंटेनर का, कंटेनर C1 लिखेंगे तो पहला कंटेनर आ जाएगा, देख सकते हैं। उसके बाद C3 लिखेंगे तो भी कंटेनर आ जाएगा। इसमें C5 तक ही है, C5 तक लिखेंगे तो इसमें 5 कंटेनर आता है, C1 C2 C3 C4 C5। अगर उसका मेगा रैम का है R1 लिखेंगे, बस एक ही मेगा रैम पर रोहित भैया ने ऐड किया है। R2 लिखेंगे तो कुछ नहीं आएगा। तो इतना सब बता ही दिया, तो इसलिए वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कि आगे अपडेट आए तो मैं आपको वीडियो बना के दे सकूँ।